मध्य प्रदेश के नागदा में शनिवार शाम को अचानक मौसम में परिवर्तन आने से ठंड बढ़ गई, जिसके चलते स्कूलों में बच्चों की तबीयत खराब हो गई। वहीं इंदौर से सटे कई क्षेत्रों में रविवार की दोपहर को बारिश का नजारा देखने को मिला। नागदा में बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ने के चलते स्कूलों ने अपने टाइम में कोई बदलाव नहीं किया है। छोटे बच्चों में सर्दी खांसी की अधिक समस्या पाई जा रही है। इस पर मौसम विभाग का कहना है कि जम्मू और कश्मीर उत्तराखंड में बर्फबारी हुई है, जिसके कारण ठंड का प्रकोप बड़ा होता है और आगे भी इसके बढ़ने के अनुमान है। वहीं इंदौर जिले के कई हिस्सों में भी रविवार की सर्द सुबह के बाद करीब आधे दिन गर्मी और तेज धूप रही, लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद शहर से सटे कई हिस्सों में बारिश हुई, जो कि आम जन के स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है। इंदौर जिले के सांवेर तहसील के धर्मपुरी क्षेत्र में दोपहर के समय अचानक धूप हटी और काले बादल छा गए और देखते ही देखते पानी बरसने लगा। ऐसे मौसम में बारिश के चलते कहा जा रहा है कि यह बारिश बच्चों और आमजन को बीमार बना सकती है।